हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बीनियन स्पाइसेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चॉकलेट मलाई केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, मॉइस्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हम इसे बिना ओवन के, बिना अंडे के और बिना कोई मेजरिंग कप के इसे बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 चम्मच दही ले लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। और फिर हम इसमें 1/2 कटोरी पाउडर शुगर डालेंगे और 3 चम्मच ही हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, जो अनफ्लेवर्ड है। कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए और ना ही कोई फ्रेग्रेंस होनी चाहिए इसमें। और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। फिर हम 1 कटोरी मैदा लेंगे और उसमें 3 चम्मच ही हम कोको पाउडर डाल करके इसको अच्छे से छान लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। और हमें इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है और इसको अच्छे से छान लेंगे इस तरह से, ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहे। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध डाल के थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर हमने 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है और उसको डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिक्स करिए और कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। एक लम्प फ्री बैटर, स्मूथ बैटर हमें इसका बना लेना है इस तरह से, और एक ही डायरेक्शन में घुमाना है फ्रेंड्स। डायरेक्शन आप चेंज नहीं करिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का बैटर बनना चाहिए और आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरह की होनी चाहिए। तो अब हम एक ग्रीस किया हुआ टिन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर ग्रीस करके उसमें मैदा डस्ट करके लिया है, और आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और फिर मैं इसे एक प्री हीटेड कढ़ाई में, जिसमें मैंने नमक डाल दिया था, उसमें रख करके बेक कर लूँगी 25 से 30 मिनट के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये बेक हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे, और जब तक कि हम इसका चॉकलेटी मिल्क बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 1.5 कप मिल्क ले लेंगे और उसको उसमें उबाल आन देंगे एक इस तरह से। उबाल जब आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शुगर। ज़्यादा शुगर भी नहीं डालेंगे क्योंकि केक में भी ऑलरेडी शुगर है। और फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और फिर इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करके फिर से 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद हमारा मिल्क जो है रेडी हो चुका है। फिर इसको भी ठंडा कर लेंगे और केक भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा अच्छा हमारा केक बना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी और बहुत ज़्यादा चॉकलेटी, ये देखिए। तो अब हम इसको वापस जो है वो डब्बे में डाल देंगे। आप भी इसको इस तरह से वापस डाल दीजिए, कोई भी जिसमें आपने बनाया है उसमें। और फिर उसको इस तरह से फोक से ब्रेक कर लेंगे, ताकि जो हम चॉकलेटी मिल्क इसमें डालेंगे वो ईज़िली इसमें अच्छे से अब्जॉर्व हो जाएगा। फिर अच्छे से फोक से ब्रेक करने के बाद हम इसमें जो हमारा चॉकलेटी मिल्क जो बना के रखा था वो भी ठंडा हो चुका था, तो वो डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से अब्जॉर्व हो जा रहा है इसमें। ये डालने के बाद हम पूरा जो मिल्क था हमारा वो इसमें डाल देंगे और साइड से फोक से इस तरह से कर देंगे, ताकि मिल्क सब अंदर चल जाए। और इसको रख देंगे हम 1 से 2 घंटे के लिए, फ्रिज में रख दे रही हूँ मैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 घंटे के बाद ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और मिल्क भी इसमें पूरा अच्छे से अब्जॉर्व हो चुका है। तो ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो चुका है अब हमारा केक। तो अब हम इसको कट करके सर्व कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा अच्छा बना है। देखिए, इसको निकाल लेंगे अब, बहुत ईजिली ये निकल जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अच्छा दिख रहा है ये, खाने में भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लग। एक बार ज़रूर आप इसे बना करके ट्राई करिए और देखिए सॉफ्ट कितना बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। ये देखिए, एक बार ज़रूर फ्रेंड्स आप बना करके ट्राई करिए। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।